सुभाष चंद्र बोस, इसलिए मेरा लाइफ का इंस्पिरेशन है। कितना अच्छा बना है। और मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ पर्सनल लाइफ के लेके, रेप जो हुआ था उसके ऊपर एक क्राफ्ट बना हुआ है जो आपको दिखाया जा रही है, और इसमें एक लेडी मिडिल में बैठा हुआ है फिर से एक नया वीडियो लेके मैं फिर से आ गया हूँ। एक नया वीडियो जो हम लोग बनाते हैं काइट मेकिंग रिलेटेड और काइट सेलर रिलेटेड, तो बहुत दिनों के बाद आज एक बहुत सरप्राइज वीडियो मतलब होने वाला है। मतलब मैं आज जिनके घर में आया हूँ वो बहुत ही स्पेशल एक मतलब फनकार है या काइट मेकर है, मैं काइट मेकर नहीं बोलूँगा, आर्टिस्ट है। तो उनके घर में मैं पहले भी आया था लेकिन आज मैं आया हूँ स्पेसिकली वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग सब जानते हैं उनको, बोलने का कोई जरूरत नहीं है, प्रदीप दा, प्रदीप सामंत, ठीक है। तो आज उनका ही क्या स्टॉक होगा और क्या वो बनाते हैं वो उसके लिए वीडियो हम लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आज का वीडियो बहुत सरप्राइज होने वाला है। और सबसे अच्छा चीज क्या है, दादा जो है वो मेकर तो सभी है लेकिन दादा मेक नहीं करते, वो आर्ट करते हैं मतलब पेंटिंग करते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग काइट में कैसा होता है आप लोग देखिए और बने रहिए। पोनीता आपको वेलकम है मेरा यूट्यूब चैनल पर, मिस फ्लेवर मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आपका पास क्या क्या स्टॉक है हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। ओके चलिए देखते रहिए। ओके प्रदीप दा आप थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपका वीडियो अभी कोई यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, तो आप थोड़ा पहले इंस्ट्रक्शन दीजिए क्या आप कब से बना रहे हैं, आपका कहाँ से आप लोग सीखे हैं आप? पतंग बनाना तो पहले पतंग बनाना आया है, हम पहले पतंग बजी करते थे बहुत बात। ओके ओके तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पतंग हम सेल करना सीखे। वो जब हम सेल करते थे तब थोड़ा सा रेडीमेड पतंग हम लेके आते थे बाहर से, उसके बाद हाँ बाहर से, उसके बाद हम यहाँ पे सेल करते थे। ओके उसके बाद मेरे ख्याल में आया कुछ अच्छा वाला पतंग सेल करने के लिए तो मेरे को मेकिंग करना बहुत जरूरी है। ओके इसीलिए हम मेरा जो उस्ताद जी है जो अच्छा। अभी उनका एज 87 ऐसा आसपास में है, तो सोनू उस्ताद जी हाँ सब जानते हैं उनको, हाँ उसके पास से हम पतंग बनाना सीखना थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दिया। कौन सा ईयर में? वो समझ लो अभी ये तो 2023 चल रहा है, हम उसके पास से शुरू किया था 2016-17 ऐसा कुछ टाइम में, मतलब 6-7 साल, हाँ, 7 साल हो गया आपको, हाँ ऐसा टाइम से बनाना, हाँ बनाना शुरू किया था। तो उसके बाद मेरा 2-3 साल चला गया उसके सीखने सीखने के, थोड़ा थोड़ा करके। okay. तो पहले हम तो इतना मार्केट में मेरा इतना नाम भी नहीं था नहीं। तो उस टाइम में सिर्फ एक कलर वाला पतंग बना, ब्लैक ब्लू ऐसा कुछ पतंग बना थी छोटी या बड़ी, हाँ, और मेरा एरिया में जो लोग पतंगबाजी करता है। अच्छा आप थोड़ा बता दीजिए आप कहाँ पर रहते हैं, मतलब ये लोकेशन? हम रहते हैं मेरा बजबज में रहते हैं हम, और ये पड़ता है साउथ 24 पीजीज के अंदर, मतलब ये इधर बहुत ग्राउंड है पतंगबाजी होता है बहुत, हाँ तो इधर में तो मेटियाबुर्ज घर के पास ही है और यहाँ पे सबसे ज्यादा पतंगबाजी होता है मेटियाबुर्ज में, हाँ और क्वालिटी वाला पतंगबाजी होता है सबसे ज्यादा, और बहुत प्लेयर भी है हम लोग इधर से एकदम। तो यहाँ में जो होता है पहले जो वो लोग मेरा पतंग लेते थे, तो उसके बाद मेरे को कुछ ऐसा कुछ मन किया कुछ खास करना पड़ेगा पतंग, तो उसी के टाइम से मैं पतंग में आर्ट को मिलाना शुरू कर दिया। वेरी गुड। तो पतंग में जब आर्ट हम मिला दिया उसके बाद ऐसा कुछ रिएक्शन आया मार्केट से या फीडबैक आया जो लोगों को ये चीज कोई नया लग रहा है, और पतंग तो हम सब लोग जानते हैं जो पतंग होता है ऐसा, हम लोग जानते हैं जो पेटकाटी होता है, चादियाल होता है, ग्लासदार होता है, ऐसा बहुत कुछ तो हम होते हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन जब और कुछ आर्ट हम लोग ने मिला दिया उसमें तो पतंग जो लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं वो लोगों का भी समझ में आ गया जो हाँ ऐसा कुछ पतंग होती है जो जिसमें मेरा प्रोटेन भी आ सकता है एकदम, कोई सुभाष चंद्र बोस ऐसा, स्वामी विवेकानंद और भी हम लोगों का जैसा माँ काली का कोई पिक्चर भी ऐसा भी आर्ट किया जाता है जाता पतंग है। में अच्छा। तो ऐसा हम लोग उठा के ले आया पतंग में और पतंग के साथ जुड़ा दिया। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो हुआ तो आप वो तो सामने तो रिवॉल्यूशन है एकदम एकदम, तो मेरा पेज में आपको दिखाई देगा, और मेरे बहुत सारा पतंग भी है अभी मेरे पास जो आर्ट बहुत किए थे हम, और अभी कुछ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, और भी अलग अलग टाइप का काम आ रहा है पतंग में, तो यही बात है ऐसा।
नहीं हाँ ये है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, अभी ये सब पतंग हम लोग देखेंगे ठीक है, मैं एक चीज़ स्पेशली मेरे तरफ से बताना चाहता हूँ, मैं भी पतंग बनाता हूँ ठीक है। तो प्रदीप का पतंग मैं जब फर्स्ट टाइम मतलब फोटो देखा था फेसबुक में, तो मुझको फ्रैंकली से आप खराब मत सोचिएगा, मुझको बिलीव नहीं हुआ ये पतंग जोड़ के बनाए हुए या सट के। मैं फिजिकली जब देखा फिर मुझको विश्वास किया ऐसा भी वर्क कभी होता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा रिवोल्यूशन कोई किया नहीं था। अभी बहुत जन कर रहे थे, मैं भी कुछ कुछ ट्राई कर रहा हूँ अभी ठीक है, लेकिन ये अलग है। तो चलिए आप थोड़ा दिखाइए अभी आपके पास जो कलेक्शन है तो एक्सक्लूसिव, वो क्या है क्या किया है आप लोग देखिए। पहला तो ये पहला पतंग है देख लीजिए, एक कालीघाट का जो काली माता है उसका कार्फ्ट किया हुआ है, पूरा कटिंग करके बना हुआ है पूरा पतंग। ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर कोई स्टिकर वगैरह कुछ लगा दिया इसमें, ऐसा बात नहीं है, पूरा कटिंग करके करा हुआ है, पूरा पेपर कटिंग नाइफ कटिंग करके पूरा पूरा क्राफ्ट है ठीक है। और बहुत अलग 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 पेपर यूज किया गया है ठीक है, मतलब बहुत टाइम फैक्टर, बहुत टाइम लगता है ये वाला पतंग बनाने के लिए। ये हो गया। और ये कितना दिन में बना एक ये पतंग? शायद आप बिल्कुल एक दो दिन तो लग जाता है, दो दिन पूरा लग जाता है ये वाला पतंग पूरा। बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट दिखाइए। अच्छा यहाँ पे एक एक देख लीजिए वाला एक है। हाँ ये भी देखिए, ये व्हाइट कलर का पेपर क्या है, कौन सा? ये तो बटर पेपर है, ये व्हाइट वाला जो पेपर है, कितना जोर लगा हुआ है और जोर तो बहुत बहुत टाच जो है, बहुत बहुत जो सामने से आके देखेगा तो उसको मालूम मालूम पड़ेगा हाँ, जो कैसा किया है एकदम। और अच्छा ये गांठदार भी है, ये गांठदार भी है, दोनों दोनों गांठ दोनों साइड में गांठ है, गांठ है यहाँ पे यहाँ पे डबल का डबल का डबल का। और ये 4.7 में हाँ ये वाला पेपर 4.7 में बना हुआ है। और ये एक देख लीजिए, अभी सामने हम लोग का कलकत्ता में अभी दुर्गा पूजा आ रही है हाँ। तो इसको हम तैयार किए थे 2019 साल में, 2019 साल में ये वाला पतंग तैयार किए, मतलब लगभग 4 साल हो गया है पतंग में, 4 साल हो गया है वाला पतंग। और ये तैयार किए थे दुर्गा पूजा के टाइम में ठीक है, अभी तो 2023 साल है अभी भी ऐसा ही है। ये पूरा जुड़ाई करके किया हुआ है, कितना मेहनत लगता है ये सब काम में। इसमें आ जाएगा तो क्राफ्टिंग खराब हो सकता है, जोर भी खोल सकता है, इसीलिए इसको हम पूरा पैकिंग करके रखते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा आपका ये डिजाइन आता है क्या, ऐसा बनाना है हमको? ये जो डिजाइन ये पूरा क्रिएट किया हुआ है, मतलब मेरा ब्रेन से, ऐसा कुछ नहीं है कोई जगह से इसको उठा के, नहीं नहीं। अच्छा पूरा पहले ड्रॉ करके फिर काटना पड़ता, बहुत टाइम लग जाता है, ड्रॉ करते है पहले पूरा, उसके बाद उसको कटिंग किया जाता है। कलर कॉम्बिनेशन भी तो सोचना पड़ता है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत वेरी करता है इसमें, क्योंकि अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा वाला कलर कॉम्बिनेशन नहीं आएगा तो पतंग भी अच्छा खुलेगा भी नहीं, खुलेगा नहीं, अच्छा दिखेगा भी नहीं। यही सबसे पहला हुनर होना चाहिए एक आर्टिस्ट का कि कलर कॉम्बिनेशन के बना, तो बहुत सारे लेते हैं। ये देखिए ये मैं देखा था, ये तो मेरा लाइफ का इंस्पिरेशन है, क्योंकि हम स्कॉटिश चर्च से पढ़ते थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में जो कलकत्ता में है। अच्छा तो सुभाष चंद्र बोस हम लोगों का सीनियर था, मतलब सुभाष चंद्र बोस का कॉलेज है स्कॉटिश चर्च एकदम, तो उसी कॉलेज से पढ़ते थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए मेरा लाइफ का इंस्पिरेशन है। कितना अच्छा बना है। और मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ पर्सनल लाइफ के लेके, प्रदीप दा जो है वो स्कूल में पढ़ाते हैं संस्कृत का, अभी पढ़ाते हैं, कौन से स्कूल में दादा पढ़ते हैं? हम इधर का गवर्नमेंट स्कूल है, नौचक हाई स्कूल इसका नाम है, संस्कृत पढ़ाते हैं। बोलिए पूरा ठीक है। तो ये बहुत प्रेशर रहती है, इसीलिए पतंग अभी बहुत कम बना रहा है, इसीलिए क्योंकि हम लोगों का स्टूडेंट बहुत रहती है, उन लोगों को पढ़ाना पड़ता है, तो ये वाला प्रेशर रहता है, तो वो प्रेशर संभल के उसके बाद शौक से आप बनाते हैं। देखिए शौक से कितना आदमी आगे जा सकता है, अगर किसी के पास हुनर है शौक है उतना बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकाल के, और कितना अच्छे तरह से इसको रखे हैं, तो कोई इसको मतलब लव नहीं करेगा तो ये कोई रखेगा नहीं, बना के तो छोड़ देगा के चलो, ये पैसा से भी बहुत ऊपर का चीज है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? और ये विवेकानंद, वाओ ये भी थोड़ा पुराना है, ये भी बहुत पुराना है, ये हमें साल लिखा हुआ है 2021 साल में तैयार किया गया है अभी, तो
दो साल क्या ढाई साल चला गया। हाँ बहुत पुराना, अभी 23 तक खत्म होने वाला है। हाँ हाँ अभी 24 आ जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया। और ए वाला पतंग देख लीजिए। हाँ वाव, ये पेपर बहुत अलग है। हाँ ये 2021 का है, भी ढाई साल ऐसा कुछ पुराना है। और एक पतंग हम आपको दिखाना चाहते हैं जो अच्छा। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो पतंग के, पतंग पोस्टर भी हो सकता है, मतलब पोस्टर के पोस्टर मतलब पतंग के पतंग देके कुछ प्रोटेस्ट किया गया है, ऐसा कुछ भी पतंग है। सिर्फ ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत सारे लोग आर्ट कर रहा है एकदम, लेकिन आर्ट ऐसा भी हो सकता है। कभी हम लोग न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ता है तो कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ में लिखा हुआ तो होता है, कभी हम लोग ऐसा कुछ पोस्टर देखते हैं जो पोस्टर में कुछ मैसेज आता है, एक एक मतलब तो कोई हम कुछ पतंग बनाए ओके। तो पतंग के जरिए कुछ जो हम लोगों का सोशल लाइफ में कुछ हम प्रोटेस्ट किए थे। हाँ। तो मतलब कोई मैसेज आप देना चाहते जो मतलब ये वाला देख लीजिए ओके। एक रेप केस के ऊपर एक पतंग बनाया गया, वेरी गुड। तो ऊपर में लिखा हुआ है जगह का नाम हांसखाली। हांसखाली ये तो बहुत खाली में एक रेप हुआ था जो बहुत हाईलाइटेड हुआ था। अच्छा। तो पतंग के तरह पतंग के ऊपर कुछ क्राफ्टिंग करके मैं हमने सोचा था उस टाइम में, तो पतंग देके ये वाला पोटेस्ट हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम पतंग का आर्टिस्ट है। हाँ। तो मेरा काम पतंग बनाना है, पतंग में आर्ट करना है, तो इसीलिए मेरा दिमाग में आया जो हम पतंग के जरिए हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे एकदम। इसीलिए जो रेप जो हुआ था उसके ऊपर एक क्राफ्ट बना हुआ है अभी जो आपको दिखाई रहा है इसमें, और इसमें एक लड़की मिडिल में बैठा हुआ है, और ये जो किया गया है ये वाला पूरा ब्लड है ओके। और रेप ऐसा जो है उसका सिंबॉलिक तो इसी के तरह हम बोल सकते हैं जो नया जनरेशन जो अभी पतंग का आर्ट बहुत कर रहा है उनको, तो उसी को हम ये वाला बोलेंगे पतंग देके प्रोटेस्ट भी कर सकते आप लोग। बहुत यहाँ पे किया गया था उस टाइम में हम किए थे जो हांसखाली ऐसा कोई रेप केस हुआ था उसको हम प्रोटेस्ट किए थे वाला पतंग से। बहुत बढ़िया, तो आप लोग भी ऐसा प्रोटेस्ट कीजिए, ये सोशल मैसेज भी है, सोशल बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी ये वाला, जो ये वाला पतंग बहुत शेयर भी हुए थे उस टाइम में। और इसी के तरह हम चाहते हैं जो पतंग के दुनिया में जो लोग जानते नहीं है पतंग को, वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएगा इसी के तरह, जो ऐसा भी हो सकता है पतंग से भी प्रोटेस्ट हो सकता है। बहुत सारा तो बहुत चीज हम लोग का पूरा इंडिया में बहुत सारा चीज होता है ऐसा सभी जगह में, तो क्यों ना ऐसा भी क्यों ना हम लोग करें। और सबसे बड़ा सुविधा है कि हम लोग का इस मतलब फील्ड में बहुत लोग जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग जुड़ा हुआ है। और पतंग को आगे बढ़ाना है तो पतंग को मॉडिफाई करना पड़ेगा जैसे हम लोग किया है इसमें। हाँ। आर्ट लगा के तो जो नया जनरेशन आएगा, और अभी तो लॉकडाउन के बाद बहुत जो जुड़ा है अभी नया जनरेशन सब, और जो जनरेशन आएगा इसके बाद तो वो जनरेशन इसको और भी मॉडिफाई करे और इसको और भी आगे बढ़ाए, तो यही सोच हम लोगों को रहना चाहिए। बहुत उम्दा, और भी डेवलप किया चाहिए, बहुत और भी डेवलप करना चाहिए। बहुत अच्छा, कितना अच्छा सोच है। देखिए ये होना चाहिए, एक आर्टिस्ट के अंदर एक अच्छा ही आदमी होना चाहिए, फिर तो ये निकल के आता है। क्योंकि पतंग उड़ाना तो शौक है, लेकिन शौक के जरिए भी कुछ हम लोग मैसेज दे सकते हैं, कुछ भी कुछ इम्पेक्ट पड़े तो वही बहुत बहुत है हम लोगों के लिए। देखिए हम लोग ऐसा बात हुआ है कि पतंग हम लोग के लिए सब कुछ है एकदम, इसमें सब करना है, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट भी करना है तो पतंग से ही करेंगे जरूर। बहुत बढ़िया, ऐसा आर्ट हम भी ढूंढ के निकला है मेरे दिमाग से, बहुत क्योंकि डांसिंग से भी होता है, आर्ट ड्रामा से भी हो सकता है, क्यों पतंग से नहीं। देखिए क्यों हम लोग ऐसा बहुत सारे आर्ट कर रहे हैं, ये भी तो एक आर्ट है, आर्ट है, लेकिन ऐसा आर्ट भी हो सकता है जिसके जरिए आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है एकदम। बहुत करना भी बहुत जरूरी है, होना चाहिए बहुत जरूरी है। और इसके अगेंस्ट में तो हम लोगों को बहुत सारे लोग तो अभी तो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में तो हड़ताल कर रहा है एकदम, प्रोटेस्ट भी कर रहा है, ये भी एक जरिया है। हाँ, तो हम लोग क्यों पतंग से क्यों नहीं करें, तो हम लोग यहाँ इस फील्ड से करेंगे जरूर। बहुत बढ़िया ठीक है, बहुत अच्छा। और एक चीज मैं बता दूं कि दादा जो नया पतंग बनाता है जो ठीक है, मैं भी पतंग बनाता हूँ, तो मैं जो नया बिगनर है उनको थोड़ा टिप्स देता हूँ, तो आप तो बनाते हैं, आप थोड़ा टिप्स तो देंगे थोड़ा। और एक चीज मैं बता दूं कि दादा कमांड ढड्डा भी अरेंज करता है, नया जो बनाता है उनके पास अवेलेबल होता है थोड़ा बहुत, तो इनके बारे में आप कुछ तो बताइए आपका। देखिए अभी दो टाइप्स का जो आता है, एक होता है 50% डेडिक्योर जो कमांड आता है,
तो उसका उसका तो बहुत सारे लोग ऐसा है जो ऐसा कुछ कमर लेके काम करते हैं, लेकिन अभी सब लोगों का बिजी लाइफस्टाइल हो गया है। ऐसा ऐसा आदमी रहता है जो काम करता है उसके बाद शौक से पतंग बनाता है एकदम। तो इसीलिए उन लोगों के लिए कमर आ रहा है हम लोगों के पास जो एकदम 90% रेडी किया हुआ है, मतलब फुल फैंसी हम लोग इसको बोलते हैं, पूरा छिलाई किया है और इसमें घर करा हुआ है, देख लीजिए ये वाला सेफ आप लोगे और फर्मा में बिठा लोगे, बहुत बढ़िया। और ये इसको हम बोलते हैं पूरा सिंकाई किया हुआ है, आप देख सकते हो इसी इस बंडल में आप देख सकते हो। तो इसमें पूरा सिंकाई किया, सिंकाई करने के बाद इसको छिलाई किया गया है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फुल फैंसी। और ये वाला पूरा आपका जैसे आप आपका जो फर्मा होता है वो फर्मा के अंदर आ जाएगा पूरा। और ये आपको हाथ में लेके देखना पड़ेगा क्योंकि सब तो कैमरा के जरिए सब कुछ तो होता नहीं है। तो ये आपको काफ फटा आपको। अच्छा दादा रेंज देखिए, दो तीन मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं इस वीडियो में थोड़ा बता सकता हूँ सबको कि बहुत दुकानदारों का जो चीज है पतंग का या मंजा को लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग रेट बताइए। देखिए रेट बताना एक दिक्कत होता है कि रेट वेरी करता है। मैं फोन नंबर देता हूँ क्योंकि इसमें तो मेरा कुछ ज्यादा आता नहीं है, आप लोग करिए जिससे अच्छा लगे लीजिए, जिससे बेहतर लगे। वैसे आपको भी मैं पूछ सकता हूँ क्या थोड़ा कि इसका रेट क्या हो सकता है, लगभग एक हो सकता है बहुत सारा। तो रेट तो आपको चीज कैसे जो चीज ले रहे हैं उसके ऊपर आप डिपेंड, एकदम एकदम। कभी कभी हम लोगों के पास ऐसा भी कंफर्टर रहती है जिसका एज हो गया 2 साल 2.5 साल का पूरा रेडी हो गया पूरा। तो 2 साल 2.5 साल का पुराना जो काम रहती है काम ठट्टा, उसका रेट अपने आप ज्यादा होता है क्योंकि वो पूरा रेडी हुआ होता है। जो लोग पतंग बनाते हैं वो लोग को नॉलेज है कि पुराना अच्छा। वाला काम ठट्टा से जो होगा उसका वो बहुत अच्छा पतंग होता है क्योंकि आप तो जानते हो आप पतंग बनाते हो, आपको नॉलेज है। और ऐसे और आपका जो 50% रेडी किया हुआ जो मिलता है वो आपको 3,000 से 3,500 के अंदर अंदर कांप और ठंडा का जोड़ी मिल जाएगा आपका। अच्छा उसका ऐसा फिनिशिंग किया हुआ होगा? नहीं, उसमें ऐसा फिनिशिंग किया हुआ नहीं रहता है, उसमें 50% रेडी होता है जो आपको और कुछ उसमें काम करना पड़ेगा। और लगभग 3 से 3,500 पकड़ के चल सकते हैं, 3 से 3,500 में आपको उसमें जोड़ी मिलेगा। और उससे भी नीचे जो होता है उससे भी नीचे मिलता है जो आपको 2,000 से 2,500 के अंदर अंदर मिल जाएगा। लेकिन उसका भी क्वालिटी आपको पहले ही बोल दिया, क्वालिटी थोड़ा हेरफेर होता है। तो 2 से 2,500 में जो आपको मिलेगा उसका क्वालिटी थोड़ा और भी नीचे, मतलब मोटा मोटी बात यह है कि जिसका जो क्वालिटी होगा क्वालिटी ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप क्वालिटी लोगे तो उसके ऊपर, जैसे ये वाला दिखाई, ये वाला तो पूरा फिनिशिंग किया हुआ, फुल फिनिशिंग है। इसका थोड़ा कॉस्टली अलग होगा, अगर आप थोड़ा इससे कम लोगे आप कुछ फिनिश करना चाहते हैं ऊपर डिपेंड, आप जैसे जैसा काम करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जैसा चूज करोगे तो आपको हम ऐसा रेट में दे देंगे। ओके अच्छा नेक्स्ट अभी आया है आपका फेसबुक में या पेज है जो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप तो यूट्यूब चैनल अभी तक नहीं है, अभी तक यूट्यूब चैनल है लेकिन हम इतना वीडियो नहीं करते, हम चाहते हैं आइए, टाइम नहीं मिलता है मेरे, ठीक है। तो मेरा फेसबुक एक पेज है उसका नाम है सामंत आर्ट एंड क्राफ्ट काइट वर्ल्ड ऐसा कुछ नाम के है। ओके और उसमें अभी रीच बहुत है मेरा, तो अभी 23K 24K एक एक पतंग का रीच उसमें, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जाइए देखिए, आप उसी पेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसी पेज में आपको मेरा सब पतंग देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा। उसी पेज में हम अपडेट करते हैं पहले। ओके। और तो मेरा घर में आना पड़ेगा, आपको हाथ में लेकर देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा दादा सेल भी करते है पतंग, पतंग सेल भी करते हैं हम, आठ का तो पतंग होती है हाँ। बहुत कम होता है आठ का पतंग हाँ। और ये सब डिमांड में या मूड भी होना चाहिए हाँ। और उड़ाने वाला जो पतंग होता है जैसा बाहर में जाता है, जैसे आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में मेरा पतंग जाता है हाँ। और अमेरिका में भी कुछ गया है, कनाडा में कुछ गया है हाँ। बांग्लादेश में कुछ गया है, तो ऐसा बहुत सारा जगह में जाता है। और एरिया में तो पूरा कलकत्ता तो बहुत सारा आदमी है, और बाहर में लखनऊ में जाता है, दिल्ली में गया है, राजस्थान गया है, इसी सब जगह में जाता है। और प्लेन वाला जो पतंग होता है ओ, आप लोगों को कोई भी ऑर्डर दे सकते हो तो दे सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा पहले हम बता रहे हैं क्योंकि मेरा ये लाइफस्टाइल के बाद मेरा और एक लाइफस्टाइल है जो स्कूल का टीचर है एकदम, तो वो वाला काम मेरा पहला है, वो वाला काम मेरे को संभल के उसके बाद एक काम ये सब करना पड़ता है, तो इसीलिए बहुत लेट होता है मेरा। लेकिन अच्छा, पतंग मिलेगा। पेपर भी आप हाँ, पेपर है लेकिन अभी तो अजंता का बहुत क्राइसिस चल रहा है मार्केट में, इसलिए अजंता पेपर अभी सेलिंग बंद हुआ है। लेकिन आपको और भी कोई डिफरेंट कलर हो ऐसा पेपर हो, देखिए कंपनी का कुछ पेपर हो, ये वाला पेपर आपको दादा के पास अभी इतना पुराना स्टॉक है अभी
ठीक है, मैं भी कुछ लूंगा अभी, ठीक है। तो अभी तो सब बंद है लेकिन मिल जाता है आपको पतंग बनाने का जो रॉ मटेरियल्स होता है पूरा, जैसा आपको छुड़ी छुड़ी से शुरू करके, ये बहुत पतंग का जो छिलाई करता है छुड़ी, यहाँ से शुरू करके पूरा एंड तक सब कुछ जो जो मटेरियल चाहिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दादा का। आपको गांठदार भी कमान जो होता है जो कलकत्ता का खास है, जो गांठ डबल गांठ होता है, सिंगल गांठ जो होता है जो हम बाहर भी भेजते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं लखनऊ, ठीक है। आप लोग जुड़िए उनसे, आप उनका फेसबुक में जाइए, पेज में जाइए, कॉन्टेक्ट करिए, और हो सके तो घर में आइए एक बार देखिए कि फिजिकली कैसा होता है ये पतंग। आप लोग फिजिकली हाथ में नहीं लेंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। मेरा भी ऐसा एक टाइम तक नॉलेज था, जब तक मैं मिलना नहीं हुआ, तो अभी तो मिलना होता है क्योंकि ये इसका बगल में मेरा एक रिलेटिव है, मतलब मेरा घर ही है, तो आना जाना होता है, साल में एक दो बार तो आते ही है, पिछले साल आए थे, फिर आए भैया का ससुराल ही हूं, पास ही है, ज्यादा दूर तक नहीं, ठीक है। तो आज बातें हो रहा था, एक छोटा वीडियो भी करे, और आप जो मैसेज हम देना चाहते हैं, आप ये वाला वीडियो तो बहुत लोग शेयर कीजिए पहले, और भैया का जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और इसको और भी आप लोग इस चैनल को और भी स्प्रेड करते रहिए, जैसे तरीके ये वाला चैनल और आगे जाके और भी बहुत सारा मेकर का, जैसा प्रभास माझी हो, सनुस्ता जी हो, जो हम लोग का वेस्ट बंगाल का सबसे पुराना कारीगर, उसको लेजेंड हम बोलते हैं क्योंकि दोनों ही मेरा उस्ताद जी है, तो इन लोगों का भी वीडियो आ सकते हैं, और डिटेल्स भी आप लोगों को मिलेगा, जो पतंग का कमान ठंडा का छिलाई कैसे होता है, एकदम नया जो बनाना चाहते हैं, जैसा गांठदार वाला स्पेशल करके जो प्रभास माझी गांठदार वाला पतंग बनाते हैं, जो गांठदार का छिलाई कैसे होता है, तो ये सब कुछ छोटा छोटा कुछ थोड़ा थोड़ा करके जो टिप्स होता है इस चैनल के जरिए आप लोगों को मिल सकता है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं ये वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा स्पीड कीजिए। थैंक यू सो मच प्रदीप, थैंक यू, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग आएंगे और नेक्स्ट वीडियो आप उस्ताद से भी होगा, एकदम, चलिए, थैंक यू सो मच।